लालन सिंह सरदार हुयो तो मीणा में दयावान, मत सिम राजा विराट हुयो तो ताकत सो बलवान, गुलाबो जिया का क्रांतिकारी मीणा में महान, शाबाश अकबर बादशाह झुका सक्यो ना, राव बादा को स्वाभिमान, अब तो जागो रे मीणा वो कायर गया गया रे कायर गया गया राम सिंह जी टाटो ओम के स्वागत के लिए मैं फिर घासीराम जी से निवेदन करता हूं कि आमोद कुमार जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय मीणा महासभा के, उनका स्वागत करें जो यूपी से पधारे हैं। जो यूपी के प्रवक्ता है प्रदेश के, तालियां तो बजा दे रहे हो भाई, आपने तालियों में रमेश जी मंच पे आए और जगदीप जी पावटा का स्वागत कर इसमें चिन्ह भेद करें। साथ ही नमोनाथ जी मंच पे पधारे खानपुर वाले। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष घासीलाल जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष अमर सिंह जी का स्वागत के लिए मैं घासी जी जो जिला अध्यक्ष है बारा के। मैं अनिता जी से निवेदन करता हूँ कमललाल जी जिला अध्यक्ष झालावाड़, डॉक्टर मुकेश जी आने दिया जाएगा तो ये स्वतंत्रता अधूरी रहेगी और असंतोष बढ़ता ही जाएगा। अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। हम पिछले 20-22 वर्ष से सरकारों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। और वो क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि राजनेताओं का साथ नहीं है। राजनेता जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं बोलेगा वो सरकार के कान तक आवाज नहीं जाएगी। और वो क्यों नहीं बोलता मैं उसका भी खुलासा करूंगा। इसलिए हमने यह तय किया इस बार हम सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे।
किसी भी सरकार से मांग नहीं करेंगे, हम मांग करेंगे राजनीतिक दलों से, क्योंकि हम सरकार को वोट नहीं देते, हम वोट देते हैं राजनीतिक दलों को। और चुनाव का साल आया है, इसलिए मांग उनसे है, और हमारी मांग नहीं माने तो उनको अपना चंद्रमा सोच लेना पड़ेगा। तो मैं सम्मान बनाएगा। साथियों, आज यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने गलत निश्चय किया था, ना गरज किसी से, ना वास्ता किसी से, ना गरज किसी से, ना वास्ता किसी से, मुझे काम है अपने काम से, मुझे काम है अपने काम से। तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, तेरे याद से, तेरे नाम से। इसी तरह मैंने अपने मैं भी कभी आप ही की तरह सामने बैठा करती थी, लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से मुझे दिल्ली में बैठकर अपना समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं आप लोगों की समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाने का माध्यम बनी हूं। उनकी शक्ति को सामाजिक कार्यों में रुचिकर बनाना, उनको समाज में बराबरी का दर्जा देना। सरकार बनती है या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बनता हूँ तो आप मेरे लिए इस समस्या का मैं आपका निवारण कर दूंगा। लेकिन अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल जीरो है, हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई सांसद नहीं है। मेरा अनुरोध है महासभा से कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री है। क्या ये जगदीप पावता छात्र महासभा जिंदाबाद। लुखे बाछिपे मम काई कोने पाछ आवेगी याद भाई, किस्मत कारो बाने छोड़ो हो जाओ एक साथ। ओहो गोरा और गोरा का ही मात्या सू कर लियो दो दो हाथ।